खेल का मैदान उपलब्ध करा के देने की मांग को लेकर चेंबूर व ढवली गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला वापस ले लिया है। आरसीएफ पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई श्रीकांत देसाई की मध्यस्थता के बाद अब ये लोग वोट करने को तैयार हो गए हैं। नेतृत्व नहीं कह सकते, उन्होंने एप्लीकेशन किया था कि ये वाडोली गांव के बाजू में जो मैदान है उसमें बहुत सारे छोटा छोटा पेड़ की वजह से उधर गलत हरकत हो रहा है, ऐसा जब हमको इन्फॉर्मेशन मिला तो मैं और एसीएफ साहब दोनों जाके जगह से, पीआरओ और रोकड़े साहब भी साथ में थे, उनके जगह जाके सब जगह वेरीफाई किया और फिर हम लोगों ने, मैं खुद आरसीएफ प्रशासन से बात करके एक लिखित लेटर लिखा कि ऐसे ऐसा लोगों का प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाएगा तो अच्छा है। और लेटर लिखने के बाद मैं उसका फॉलोअप लिया और फॉलोअप लेने के बाद आरसीएफ प्रशासन ने माना कि हम लोग को मैदान साफ करके देते, तो आरसीएफ पुलिस ने कंपनी ने वो मैदान साफ करने का काम चालू कर दिया है और उसके वजह से शायद उधर का लोगों ने मतदान के ऊपर जो बहिष्कार डाला था वो पीछे लिए, ऐसा बोर्ड लगाया ऐसा उधर का लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला, फिर हम लोगों ने वेरीफाई किया। ये अच्छी बात है लोकशाही के लिए। स्थानीय लोगों का कहना था कि उधर टपर लोग बैठते, गर्द पीने वाला लोग आते जाते, लड़की लड़का लोग आता है, तो जो फैमिली लोग हैं उनको तकलीफ होता है, ऐसा वो लोगों ने शिकायत किया। फिर हम लोगों ने वो एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ाया, खुद मैं जाके दो तीन बार विजिट किया तो वो लोग काफ़ी संतुष्ट हो गए, इसकी वजह से उन्होंने ये कदम दिया कि हम लोग बहिष्कार नहीं करेंगे, वोटिंग करेंगे। लोगों का कहना है कि मैदान को लेकर हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन लोगों के मतदान के हक के लिए फिलहाल यह फैसला किया गया है। हमारा ये कहना है, हमने ये जो यह बहिष्कार का ये जो पीछे लिया है ये इस वजह से लिया है कि हमने जो पत्र व्यवहार सभी विभागों से, शासकीय विभागों से किया था, उसमें हमने आरसीएफ पुलिस स्टेशन रहा, आरसीएफ के जो सीएमडी है उनको हमने खत लिखा, फिर मतलब सभी जगह पत्र व्यवहार शासकीय विभाग को भी दिया, सीएमडी को भी दिया, फिर निवडणूक अधिकारी है जो और पुलिस निरीक्षक साहब, तो रोकड़े साहब और सीनियर इंस्पेक्टर साहब जो है श्रीकांत देसाई साहब, इन्होंने जब कहा हमको कि बाबा कि अभी तुम लोग थोड़ा सा पीछे, एक पैर पीछे लो ताकि तुमको आगे चलकर दो पैर तुम लोग आगे डाल सकोगे, तो उनके कहने पर हम लोग ने एक बोला मतदान का अधिकार सभी लोगों का है और इसी तरह हमने उनका सुनकर हमने हमारा जो आंदोलन था उसको हमने थोड़े दिन के लिए एक स्थगित ही दिया है मतलब, और ये आंदोलन वैसे चालू ही है लेकिन इलेक्शन के लिए एक दो दिन के लिए हम लोग हमारा पैर पीछे ले रहे हैं ताकि कल इलेक्शन होने वाला है, सभी लोग अच्छे तरीके से इलेक्शन का मतदान का अधिकार ये सभी लोगों को है और मतदान ये अच्छे तरीके से होना चाहिए, कहीं माहौल खराब नहीं होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमारे नवीन जी आचार्य, हमारे पांडुरंग मोरे, फिर महेंद्र नाईक, सभी गांव वाले लोग ने एक डिसीजन लिया और मैं खुद फ्रांसिस मार्टिन, हमने ऐसा डिसीजन लिया कि बाबा अच्छे तरीके से एक मतदान होना चाहिए, जो भी यहाँ सांसद जो चुन के आएगा वो अच्छी तरीके से चुनकर आना चाहिए और हम उनका पीछा करेंगे, हम किसी के विरोध में नहीं है, हम अपना अधिकार प्रशासन से मांग रहे हैं, हमारा अधिकार जो बच्चे लोगों का जो छीना गया है, जो मैदान पर खेल रहे थे आरसीएफ के, आरसीएफ ने उनको खेलने का बंद किया है, हमारा इतना ही कहना है कि उन्होंने जो मैदान बंद किया है वहां पर घास आई है, वहां पर मच्छर हो गए हैं, वहां पर सांप निकल रहे हैं, वो मैदान आप क्लीन करो ताकि इन बच्चे लोगों का वहां फिर से खेलने मिले और सभी दृष्टिकोणों से इन्हें आनंद मिले, हर घर अपना खुशी से रहे ताकि जो परेशानी आई हुई है इस गांव में, हमारा ये कहना है कि प्रशासन ने इस पे ध्यान देना चाहिए, आने वाले दिनों में हमें उन्होंने सपोर्ट, क्योंकि ये पोस्टर लगाने की वजह यही है कि हमने हमारा जो इसके पहले हम पत्र व्यवहार नहीं कर रहे थे, कागजी जो कानूनी की पूर्तता होनी चाहिए वो नहीं कर रहे, तो इस बार हमने पूरे कागज के साथ हमने सब मतलब कलेक्टर से लेके फिर आरसीएफ प्रशासन, फिर जिला अधिकारी, फिर तुम्हारे निवडणूक अधिकारी, सबको हमने लेटर मतलब जहाँ जहाँ दिल्ली तक हमने सब लेटरबाजी किया हुआ है और अभी ये दिल्ली मतलब सर्वोच्च लड़ाई चल रही है लोकसभा की, तो हमारे मतलब जो हमारे सब साथियों के साथ हमने विचार विनिमय करने के बाद ये नतीजे पे पहुँचे कि हमें अभी अपना अधिकार बजाना चाहिए और हमारी लड़ाई हम ऐसे ही चालू रखेंगे। फाइनल फैसला अभी तक कुछ निकला नहीं है लेकिन ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी,
अभी तक हमें यहाँ से ठोस आश्वासन नहीं मिला है किसी भी प्रशासन से या किसी भी कैंडिडेट या कहीं से भी हमें ठोस प्रशासन मतलब ये नहीं मिला है, आंसर नहीं मिला है। तो उसी उम्मीद में है हम लोग लड़ाई हमारी जारी रखेंगे जब तक हमें ये मैदान नहीं मिलता। मतदान हा सर्वांचा हक्क आहे, तो सर्वांनी मतदान केलंच पाहिजे। आता जे माझे दोन मित्र बोलले तसंच आम्ही ते पुढे चालू ठेवणार आहोत। पुढे 6 महिन्यांनी किंवा 7 महिन्यांनी आमदारचं इलेक्शन येणार आहे, त्याच्यापुढेही इलेक्शन असेल, जोपर्यंत आम्हाला मतदान भेटत नाही तोपर्यंत आमचा संघर्ष हा पूर्णपणे चालू राहणार। आणि गावातले सर्व खेळाडू वृत्तीची मुलं आहेत ते सर्वांना ते मैदान जरुरीची आहे, नाहीतर काही मुलं जे मोबाईलमध्ये खेळलेले त्या मोबाईलच्या गेममध्ये आणि मैदानी खेळामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे। मैदानी खेळामध्ये जेवढी ताकद असते तेवढी मोबाईलच्या गेममध्ये ताकद नसते, म्हणून आम्हाला ते मैदान लहान मुलांसाठी, मोठ्या मुलांसाठी, वयस्कर माणसांसाठी बसण्यासाठी, खेळण्यासाठी हे पाहिजे। हा प्रयत्न आम्ही वारंवार जोपर्यंत आम्हाला मैदान भेटत नाही तोपर्यंत हा वाढवली गाव या मैदानासाठी झडत राहणार। आम्ही काय फक्त IPL च्या मॅच TV मध्ये बघू, कोणत्याही मॅच आम्ही TV मध्ये बघू, आम्हाला पण खेळायचा हक्क आहे। जसं आपण सगळे बोलतात की मतदानाचा हक्क आहे तुमचा, मग तसा पण आमचा मैदानाचा हक्क आहे, तर तो पण हक्क आम्हाला द्या। जसं तुम्ही बोलतात, शासन बोलतंय की तुम्हाला मतदानाचा हक्क आहे, तर तो आम्हाला मैदानाचा पण हक्क द्या आम्हाला, हीच आमची विनंती आहे। आणि पुन्हा मैदान वरून खेळाडूंकडून हीच विनंती आहे। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।